उधमपुर हमले में शहीद हुए कांस्टेबल रॉकी का सैनिक सम्मान के साथ इस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है। उधमपुर आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे रॉकी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ की टुकड़ी पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे रॉकी, जिनका अंतिम संस्कार यमुनानगर में किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको अंतिम संस्कार की दिखा रहे हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ रॉकी को अंतिम विदाई दी जा रही है। सर, कि जिनको हम वोट देते हैं सर, जिनको बनाते किस लिए बनाते हैं सर, ताकि हम हमारे काम आए हो सर। अगर ऐसी कोई विपदा पड़ जाए, ये नहीं है कि हमारे पर पड़ी है सर, किसी के पर पड़ सकती है सर। हम दूसरे स्टेटों में सुनते हैं सर, मुख्यमंत्री तक आते हैं सर, उनकी राज्य खुशी के लिए मुख्यमंत्री आते हैं सर। जलपुड़ी में हमारे भाई के साथ जो बंदा शहीद हुआ, सीएम वहाँ की ममता बनर्जी, उसकी लाश आने से काफी घंटे पहले वहाँ आ गई थी और वो वहीं पे रही है सर। क्या हमारी हरियाणा एक डेढ़ घंटा हो गया आई है सर, रात आए ना सर, तो आ सकते थे सर, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, तमाम बड़े बड़े दावे किए थे। विधायक जी यहाँ पर पहुँचे, विधायक जी लोग नाराज हैं आपसे कि इतने घंटे हो गए किसी ने फोन तक नहीं किया, ना आपके सांसद पहुंचे, ना आपका कोई मंत्री पहुंचे, ना मुख्यमंत्री पहुंचे। मुझे किसी के बारे में नहीं पता, बात मेरी है, मैं स्टेट से बाहर था। जैसे मुझे पता लगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात की, प्रशासन से बात की, प्रशासन कल का यहाँ सारा लगा हुआ है। अब हालात कब कैसे हो जाए, बारिश कब आ जाए, ये किसी को क्या पता। तो कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी है, गुस्सा है, आक्रोश है, वो इस बात को लेकर है कि बीजेपी की सरकार है, ना कोई मंत्री पहुंचा, ना कोई विधायक पहुंचा, ना किसी ने घर और परिवार की सुध ली। जाहिर सी बात है, विधायक जी के मुंह पर खरी खरी भी लोगों ने यहां पर सुनाई है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, यमुनानगर। आज तक रॉकी ने डटकर मुकाबला किया था आतंकवादियों का, अपनी जान पर खेलकर बस में सवार जवानों की जान बचाई थी। रॉकी की बहादुरी का ही यह नतीजा था कि एक आतंकवादी को रॉकी ने मार गिराया था और दूसरा आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था।